हेलो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड सेवन का प्रैक्टिस सेट फिफ्टी को लेकर इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड तो ये एग्जांपल जो दिया है इसका एक्सपेंशन करना है तो इस फॉर्मूले में देखो दो टर्म दी है उनमें प्लस साइन दिया है उसका ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट स्क्वायर ये बोल सकते हैं हम तो इस टाइप के एग्जाम्पल का एक्सपेंशन अगर करना है ये बाइनोमियल एग्जाम्पल है इसका एक्सपेंशन करना है तो इसके लिए हमें फार्मूला दे दिया गया है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर Plus 2AB plus what, जिनका हमें एक्सपेंशन करना है उनमें जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वेयर लेना है प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करना है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर लेना है अभी हमें जिसका एक्सपेंशन करना है वो लिखेंगे ओके okay? देखो फाइव ए प्लस सिक्स बी ब्रैकेट स्क्वेयर अभी हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है फाइव है पहले हम उसका स्क्वेयर लेंगे फाइव ए ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है फाइव एंटू सेकेंड टर्म है सिक्स बी वो राइट कर लिया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर है सेकेंड टर्म है हमारी सिक्स बी उसका स्क्वायर लिया ओके अभी देखो यहाँ पे फाइव का और ए का दोनों का स्क्वायर है पहले हम फाइव का स्क्वायर लिखेंगे फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव बाद में ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहता है प्लस साइन अभी देखो टू मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई सिक्स बी ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पहले हम इन तीनों में जो नंबर है उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू फाइव जार टेन और उसके बाद फिर से सिक्स है तो टू फाइव टेन टेन सिक्स जार सिक्सटी हो गए यहाँ पे हम सिक्सटी लिखेंगे और ए बी दोनों लिखेंगे ये ऐसे नज़दीक नजदीक लिखते मीन शॉट इन इनमें भी क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन ही है जैसे हमने यहाँ पे टू ए बी लिखा इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन है ना ओके वैसे हमने इनको ऐसे नजदीक लिखा इनका इसमें भी क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन ही है प्लस सिक्स बी ब्रैकेट स्क्वेयर पहले हम सिक्स का स्क्वायर लेंगे बाद में बी का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा सिक्स बी ब्रैकेट स्क्वेयर सिक्स का स्क्वायर सिक्स सिक्स हजार थर्टी सिक्स और बी का स्क्वायर बी तो ये आ गया दिए गए बायनोमेल का एक्सपेंशन तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में उसको लिखेंगे अच्छे से ब्रैकेट कर लेंगे फाइव ए प्लस सिक्स बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वेयर प्लस सिक्सटी ए बी प्लस थर्टी सिक्स बी स्क्वेयर है ना इजी सेकेंड नंबर में हमें ये बाइनोमियल टर्म दी गई है उसका एक्सपेंशन करना है तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म है ए अपॉइंट टू और सेकेंड टर्म है बी एपॉइंट थ्री उसमें प्लस साइन दिया है तो इसकी एक्सपेंशन के लिए भी हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर यही फार्मूला रेफर करेंगे तो पहले हम फार्मूला राइट कर लेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर ए मीन्स फर्स्ट टर्म बी मींस सेकेंड टर्म ओके okay? तो यहां पे भी हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो ये लिखेंगे हम तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है फर्स्ट टर्म है, 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 है हमारी ए स्क्वायर लिया प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म है ए अपॉइंट टू सेकेंड टर्म है बी अपॉइंट थ्री टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म है हमारी b अपॉन थ्री उसका स्क्वेयर लिया ओके ए अपॉन टू का स्क्वास ए का और टू का दोनों का स्क्वेयर लेना है ए का स्क्वायर ए स्क्त टू का स्क्वायर टू टूर फोर प्लस देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सेम नंबर था वो कट हो जाते हैं वो कट हो गए उसके बाद अभी यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाई थ्री है तो उसको हम ए बी अपॉन थ्री राइट कर सकते हैं ओके प्लस बी का स्क्र पी स्क्र थ्री का स्क्र थ्री थ्री, थ्री जार ओके तो ये आ गए इस दिए गए एग्जाम्पल एन टू प्लस बी थ्री, ब्रैकेट इसको अच्छे से पेंसिल से बॉक्स कर लो तो यह है हमारा फाइनल आंसर थर्ड नंबर एग्जांपल में हमें यहाँ पे टू पी या फर्स्ट टर्म दी गई है और थ्री क्यू या सेकेंड टर्म दी गई है उसका स्क्वायर है इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ये फॉर्मूला रेफर करेंगे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेके लेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेर इज इक्वल टू ए स्क्वे माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र यहाँ पे माइनस साइन आया ना तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद हमें यहाँ पे माइनस साइन देना है सेकेंड यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा ओके हमें इसका एक्सपेंशन करना है यही लिखेंगे हम ये बाइनोमियल टर्म लिखेंगे अभी देखो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें क्या लेना होगा पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिया है ना तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर टू पी हमारी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लेना है माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म टू पी इंटू सेकेंड टर्म थ्री क्यू प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर थ्री क्यू का स्क्वायर टू का स्क्वायर टू टू जार फोर क्यू का स्क्वायर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू पी मल्टीप्लाई बाय थ्री क्यू ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है टू टू जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व तो यहाँ पे हम ट्वेल्व लिखेंगे और पी क्यू दिया है पी क्यू राइट कर लिया प्लस थ्री क्यू का स्क्वेयर है थ्री का स्क्वेयर थ्री थ्री जार नाइन और क्यू का स्क्वेयर क्यू स्क् यही आ गया दिए गए इस बायनोमेल का एक्सपेंशन टू पी माइनस थ्री क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर पी स्क्र माइनस ट्वेल्व पी क्यू प्लस नाइन क्यू स्क्तर ओके एग्जाम्पल नंबर फोर है इसमें हमें फर्स्ट टर्म एक्स और सेकेंड टर्म टू अपॉन एक्स दिया है ब्रैकेट स्क्वेयर है तो इस बाइनोमियल का तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला रेफर करना होगा ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर ओके okay, तो यहाँ पे हमें एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इसका एक्सपेंशन करना है वो राइट कर लिया इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इस टाइप में यहाँ पे लेना होगा तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कौन सी दी गई है x उसका स्क्वायर लिया माइनस टू <्भुण> इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है x इंटू सेकेंड टर्म है टू अपॉन एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है सेकेंड टर्म है हमारी टू अपॉन एक्स उसका स्क्वायर लिया ओके एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू अपॉन एक्स डिनोमिनेटर का एक्स न्यूमरेटर का एक्स के साथ कट हो गया अब यहाँ पे टू टू जार फोर ओके प्लस टू का स्क्वायर टू टू जार फोर और एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क् दिए गए बाइनोमियल का एक्सपांशन है ना इजी फो फाइव नंबर एग्जांपल में फर्स्ट टर्म ए एक्स एंड सेकेंड टर्म बी वाई दिया गया है तो इसके लिए और उसमें प्लस साइन दिया है तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला रेफर करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर ओके तो हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो वो राइट करेंगे बीवाई ब्रैकेट स्क्वेयर इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर लेना है इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी ए एक्स फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वेयर लिया प्लस टू इंटू ए एक्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बी वाई प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर बीवाई का स्क्वेयर ओके okay? ए का स्क्वायर ए स्क्वेयर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्र प्लस टू अभी देखो इन यहाँ पे ए यहाँ पे बी हम इसको ए बी ऐसा लिखेंगे यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई एक्स वाई ऐसा लिखेंगे तो ए बी एक्स वाई रीडिंग में भी इजी जाएगा ओके प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वेयर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया दिए गए बायनोमेल का एक्सपांशन एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अभी सिक्स नंबर एग्जांपल में सेवन एम माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हम ए माइनस बी ये फॉर्मूला रेफर करेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ओके ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर इसका एक्सपेंशन करना है सेवन एम माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वायर इसका एक्सपेंशन करना है तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है सेवन एम उसका स्क्वायर लेना है माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म सेवन एम इंटू फोर प्लस फोर का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर सेवन सेवन जार फोर्टी नाइन एम का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू सेवन जार फोर्टीन फोर्टीन फोर फिफ्टी सिक्स यहाँ पे फिफ्टी सिक्स एम ओके प्लस फोर का स्क्वायर फोर फोर हजार सिक्सटीन तो ये आ गया दिए गए बायनोमेल का एक्सपेंशन तो सेवन एम माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वेर तो देखो कितना इजी है हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए हम इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन है इसमें हमें फर्स्ट टर्म एक्स और सेकेंड टर्म वन पॉइंट टू दी गई है इसका एक्सपेंशन करना है इसमें प्लस साइन है इसलिए हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ये फार्मूला इसका एक्सपेंशन के लिए रेफर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर हमें इसका एक्सपेंशन करना है A एक्स प्लस वन पॉइंट टू ब्रैकेट स्क्वेयर इसमें हमारी फर्स्ट टर्म इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ऐसे लेना है तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है एक्स उसका स्क्वायर लिया प्लस इसमें हमारी टू इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है एक्स इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है एक्स इंटू सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म है, है हमारी वन पॉइंट टू वो राइट कर लिया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है वन पॉइंट टू का स्क्वायर लिया ओके एक्स का स्क्र एक्स प्लस देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का टू कट हो गया अभी यहाँ पे सिर्फ एक्स इंटू वन एक्स इंटू वन एक्स ही रहेगाक्वेयर वन टू का स्क्वायर टू टू जार फोर तो ये आ गया इस दिए गए बायनोमिल का एक्सपांशन एक्स प्लस वन अपॉइंट टू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्स एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर हमारा एट नंबर एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे ए ये फर्स्ट टर्म दी गई है और वन अपॉन ये, ये सेकेंड टर्म दी गई है इनमें माइनस साइन है इसीलिए हम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला एक्सपेंशन करने के लिए रेफर करेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी ओके इसका एक्सपेंशन करना इसलिए हम ये लिखेंगे ए माइनस वन अपॉइन ए ब्रैकेट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारी ए है उसका स्क्वायर लिया माइनस टू इन फर्स्ट टर्म है ए इंटू सेकेंड टर्म लेना प्लस सेकेंड का स्क्वेयर लेना है सेकेंड टर्म है हमारी वन अपॉन ए उसका स्क्वेयर लिया ओके okay? ए का स्क्र ए स्क्र आता है माइनस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का ए कट हो गया टू मल्टीप्लाई बाय वन टू आ गया प्लस स्क्वायर लेना है वन का स्क्वायर वन और ए का स्क्वायर ए तो ये आ गया नंबर टू है अभी विच ऑफ द ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ द बाइनोमियल ये जो बाइनोमियल दिया है इसका स्क्वेयर लिया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है ये हमें निकालना है तो हम इस दिए गए बाइनोमिल का स्क्वेयर लेकर देखते हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है तो देखो हम बायनोमिल लिखेंगे पहले एट माइनस वन अपॉन एक्स इस बायनोमिल का स्क्वेयर लेना है हमें स्क्वेयर लिया अभी इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट स्क्वेयर है तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ये फॉर्मूला रेफर करने वाले हैं तो यहाँ पे हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर ये यूज करने वाले है तो a इज इक्वल टू एट और b इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स ये टर्म इस एक्सपेंशन के लिए पुट करनी है तो जिसका एक्सपेंशन करना है वो लिखेंगे हम एट माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर लेना है फर्स्ट टर्म हमारी एट है उसका स्क्वायर लिया माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म है एट इंटू सेकेंड टर्म है, है स्क्वेयर लिया ओके okay? अभी एट का स्क्वायर एट एट जार सिक्सटी फोर माइनस टू इंटू एट इंटू वन टू एट जार्सटीन सिक्सटीन आ गया डिवाइडेड बाय एक्स से प्लस

माइनस बी है इसलिए फर्स्ट माइनस साइन आएगा तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी अ करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर फोर द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री अभी विच ऑफ द बाइनोमिल्स गिवन बिलो इज एम स्क्वायेयर एन स्क्वेयर प्लस फोर्टीन एम एन पी क्यू प्लस फोर्टीन एन पी स्क्र क्यू स्क्र द एक्सपानशन नीचे दिए गए जो बायनोमियल है यहाँ पे फर्स्ट बायनोमियल दिया है एम प्लस एन पी प्लस क्यू सेकेंड बायनोमियल दिया है एम एन माइनस पी क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर थर्ड बायनोमियल दिया है यहाँ पे सेवेन एम एन प्लस पी क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर और फोर्थ वन बायनोमियल दिया है एम एन प्लस सेवेन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर दिए गए ये जो एक्सपांशन दिया है इस एक्सपांशन का बायनोमियल कौन सा है यह हमें निकालना है ओके इससे पहले बायनोमियल देते थे हमें एक्सपेंशन निकालना था पर यहाँ पे एक्सपेंशन दिया गया है हमें उसकी हेल्प से बायनोमियल निकालना है कि ये एक्सपेंशन कौन सी बायनोमियल का है ओके तो पहले हम एक्सपेंशन राइट कर लेंगे एम स्क्वेयर योयेयर प्लस फोरटीन एम एन पी क्यू प्लस फोर्टी नाइन पी स्क्र क्यू स्क्र यह एक्सपेंशन ओके अभी जो ये जो एक्सपेंशन दिया है इसमें जो मिडल टर्म जो है उसको हम डिवाइड करेंगे देखो कैसे डिवाइड हो जाएगी या फोर्टीन जो है उसको सेवन प्लस सेवन में डिवाइड कर लेंगे देखो यम स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस सेवन एम एन पी क्यू प्लस सेवन एम एन पी क्यू प्लस ये फोर्टीन एम एन पी क्यू को हमने सेवन एम एन पी क्यू प्लस सेवन एम एन पी क्यू में डिवाइड कर लिए फोर्टीन था उसको सेवन सेवन में क्योंकि सेवन प्लस सेवन फोर्टीन होते हैं और यम एन प्लस पी क्यू ये उसके साथ ही रहेंगे ओके फोर उसके बाद फोर्टी नाइन पी स्क्वेर क्यू स्क्वेयर ओके अभी ये जो एक्सपेंशन मिला है ना हमें मिडल टर्म को मिडल टर्म में जो नंबर था उसको हम सेवन प्लस सेवन में डिवाइड कर लिया सेम नंबर में डिवाइड कर लिया उसके साथ यम एन भी लिख लिया इसके बाद हमें ये जो टर्म मिली है इसके हम टू इक्वल पार्ट करेंगे ओके ये टू इक्वल पार्ट हो गए अभी देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन है एम एन इसमें भी एम एन है इसमें भी एम एन है सो फर्स्ट पार्ट में यम एन कॉमन है उसमें कॉमन निकालेंगे और जो टर्म रहेगी ना उसको ब्रैकेट में लिखेंगे देखो एम एन कॉमन निकाल लिया इसमें सेम एन कॉमन निकाल लेता एक यम एन निकाल लिया और एक एम एन रहेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है यम स्क्वेयर एन स्क्वेर टू टाइम है न टू टाइम है उसमें से वन टाइम बाहर निकाल लिया तो अंदर भी वन टाइम रहेगा ना तो यहाँ पे हम यम यन लिखेंगे उसके बाद प्लस साइन है इसमें से यम यन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा सेवन पी क्यू रहेगा करेक्ट ओके okay. इसमें से जो कॉमन था उसको निकालने के बाद जो रहेगा वो राइट कर लिया अभी यहाँ पे प्लस साइन है अभी इन दोनों में क्या कॉमन है देखो यहाँ पे सेवन कॉमन है सेवन कॉमन है मीन शॉर्ट यहाँ पे तो सेवन है ही कॉमन ओके यहाँ पे तो सेवन है ये और इसमें ये जो नंबर दिया है फोर्टी नाइन ये भी सेवन से डिवाइड हो जाता है मीनस वॉट दिए गए इन दो टर्म में सेवन क्या है कॉमन है क्योंकि इसमें इसमें सेवन है और इसमें क्या है जो नंबर दिया है वो सेवन का मल्टीपल नंबर है इसीलिए सेवन कॉमन है वो राइट कर लिया उसके बाद पी क्यू और यहाँ पे भी पी क्यू है मीन स्वाट पी क्यू भी कॉमन है यहाँ पे हम पी क्यू राइट करेंगे करेक्ट अभी सेवन पी क्यू के बाद जो टर्म बची है वो उसको ब्रैकेट में राइट करेंगे पी क्यू के बाद यहाँ पे यम एन है प्लस सेवन पी क्यू है सेवन पी क्यू बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ यमएन रहेगा यम एन कर लिया इस फोर्टी नाइन को अगर सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा सेवन ओके तो यहाँ पे हम सेवन लिखेंगे इसमें से सेवन कॉमन निकालने के इसमें सेवन कॉमन निकाल लिया मीन शॉर्ट इसको सेवन से डिवाइड करने के बाद जो नंबर रहेगा ना वो हमें यहाँ पे लिखना है ओके तो सेवन कॉमन निकाल लिया इसको सेवन से डिवाइड कर लिया तो क्या रहेगा सिर्फ सेवन रहेगा और यहाँ पे पी स्क्र क्यू स्क् तो पी और क्यू बाहर निकाल लिया पी स्क्र पी टू टाइम है क्यू स्क् एक टाइम बाहर निकाल लिया तो अंदर भी एक टाइम रहेगा ना तो उसको हम अंदर राइट कर लेंगे ओके अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म है ना ऑलरेडी ये सेम टर्म है उसको वन टाइम ही लिखेंगे ओके तो कैसे लिखना होगा एम एन प्लस एन पी क्यू ओके ये जो ब्रैकेट की बाहर की टर्म थी ना उसको एक ब्रैकेट में राइट कर लिया अभी जो ब्रैकेट में जो दो टर्म है वो सेम टर्म है उसको वन टाइम ही लिखेंगे एम एन प्लस सेवन पी क्यू ओके अभी देखो यम एन प्लस सेवन पी क्यू यम एन प्लस सेवन पी क्यू सेम ही है इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो एम एन प्लस सेवन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर क्योंकि ये जो ब्रैकेट की टर्म है डबल है यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे एक टाइम उसको हम वन टाइम ऐसे बायनोमिकल फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में से तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एम एन प्लस सेवन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर ऑप्शन फोर विल बी अ करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर द करेक्ट ऑप्शन इज फोर ओके एग्जांपल नंबर फोर दिया है यूज एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज फर्स्ट नंबर एग्जांपल है 997 हंड्रेड ब्रैकेट स्क्वेर एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो देखो 997 हंड्रेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे तो देखो 997 तो इसको हम बाइनोमियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड में से थ्री माइनस किए तो भी क्या यही नंबर मिलेगा करेक्ट ओके okay? और इसका स्क्यर है हम स्क्वेयर फॉर्म में तो दिया गया नंबर हमने बाइनोमियल फॉर्म में राइट कर कर लिया अभी इसका हम एक्सपांशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दो टर्म मिल गई है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म उसका स्क्वेयर भी है इसका एक्सपांशन कैसे होता है यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट स्कोर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस टू ए बी टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्कोयर ओके तो अभी हम इसका भी एक्सपेंशन कर लेते हैं यहां पे हमें थाउजेंड माइनस थ्री ए टर्म है इसका एक्सपेंशन करना है तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म क्या है थाउजंड उसका स्क्वायर लेना है माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म है थाउजेंड इंटू सेकेंड टर्म है थ्री प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है सेकेंड टर्म है थ्री उसका स्क्वायर लिया ओके अभी इस वन थाउजेंड का स्क्वायर लेना है ये थ्री जीरो है सिक्स जीरो हो जाएंगे उसके डबल हो जाएंगे और वन का स्क्वायर वन ही रहता है ओके माइनस यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री हम टू थ्री जार सिक्स कर लेते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार नाइन अभी देखो टैक् नंबर दिया है वो हम एज इट इज लिखेंगे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड किया तो क्या हो जाएगा सिक्स थाउजेंड देखो इन दोनों में कितने जीरो है थ्री जीरो है वो राइट कर लिए और सिक्स तो यहाँ पे ये नंबर फॉर्म हो गया प्लस nine. अभी हमें क्या करना है अभी ये नंबर जो एग्जाम्पल दिया है ये वन हंड्रेड एंड टू है उसका स्क्वायर है और इसका एक्सपेंशन करना है हमें बायोनोमियल फॉर्मूले के हेल्प से तो हमें इस नंबर को हमें बायोनोमल फॉर्म में शिफ्ट करना होगा तो ये नंबर कैसे शिफ्ट हो जाएगा देखो तो ये हंड्रेड ड्रेड टू नंबर है तो ये हंड्रेड से दो नंबर ज्यादा है तो इस नंबर को हम हंड्रेड प्लस टू इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं उसका है सो तो कर लिया तो अभी हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो टर्म मिल गई है फर्स्ट टर्म है हंड्रेड सेकेंड टर्म है टू अभी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे कौन सी फॉर्मूले के हेल्प से ए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेर इस फॉर्मूले के हेल्प से तो यहाँ पे ए स्क्वेयर Plus 2AB plus इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम ये नंबर लिखेंगे हंड्रेड प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर इसका एक्सपेंशन करना है तो हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है फर्स्ट टर्म है हमारी हंड्रेड उसका स्क्वेयर लिया प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म है हंड्रेड इंटू सेकेंड टर्म है टू वो राइट कर लिए प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर लेना है सेकेंड टर्म है हमारी टू उसका स्क्वेयर लिया ओके okay, अभी हंड्रेड का स्क्वेयर है हंड्रेड में दो जीरो फोर जीरो ओके okay, और ये वन राइट कर लिया प्लस यहाँ पे टू टू हजार फोर फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्लस टू का स्क्वायर टू टू हजार फोर ओके okay, अभी देखो ये टेन थाउजेंड हम एज इट इज राइट करेंगे प्लस इन दोनों में कितने जीरो है दो जीरो है फोर वन सा फोर फोर हंड्रेड प्लस फोर तो यहाँ पे इन तीनों की एडिशन की तो आ जाएगा स्क्वेयर एक्सपेंशन फॉर्मूले की हेल्प से 10,000 में 400 हंड्रेड कर लिए तो 10,400 हो जाएंगे और उसमें प्लस फोर ऐड कर लिए तो 10,404 फोर ये आंसर मिल जाएगा करेक्ट ना तो यहां पे हम लिखेंगे 10,404 अभी यहाँ पे थर्ड नंबर में नंबर दिया है 97 उसका स्क्वायर है इसका हमें स्क्वेयर निकालना है एक्सपेंशन फॉर्मूले की हेल्प से बायनोमियल में पुट करना होगा ओके okay? सो so ये नंबर बायनोमियल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखो ये नाइनटी हंड्रेड से कितने नंबर कम है थ्री नंबर कम है तो इस नंबर को हम बायोनोमियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड में से थ्री माइनस किया तो भी नाइनटी सेवन ही मिलेंगे तो इस नंबर को हमने सिर्फ बायनोमियल फॉर्म में राइट कर लिया यहाँ पे उसका स्क्वेयर है ओके okay? हमें अभी इसका एक्सपेंशन करना है एक्सपेंशन फॉर्मूले की हेल्प से कौन सा फॉर्मूला रेफर करना होगा ए माइनस बी क्योंकि यहाँ पे दो टर्म माइनस साइन दिया है ना तो वहाँ इसलिए हम ए माइनस बी ए फार्मूला रेफर करेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ओके ऐसा एक्सपेंशन आएगा तो इस एक्सपेंशन में क्या दिया है इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर है माइनस टू ए बी है प्लस बी स्क्वायर है फर्स्ट का स्क्वायर ऐसे ही हम इसका भी एक्सपेंशन करेंगे हंड्रेड माइनस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर हमें पहले लेना है इंटू सेकेंड टर्म क्या है थ्री वो राइट कर लिया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म है थ्री उसका स्क्वायर लिया ओके अभी हंड्रेड का स्क्वायर देखो वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है ये दो के हो जाएंगे फोर जीरो फोर माइनस यहाँ पे टू थ्री हजार मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड भी है प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार नाइन अभी देखो यहाँ पे ये टेन थाउजेंड है माइनस सिक्स वन सा सिक्स और उन दोनों में दो जीरो है वो राइट कर लिए प्लस नाइन ओके okay? अब 10000 में से 600 सब्सट्रैक किए तो 9400 ही आंसर आता है तो यहाँ पे हम 9400 राइट करेंगे उसमें हमें 9 ऐड कर लेना है तो 9409 ये आता है फाइनल आंसर इस 97 इस नंबर का बाइनोमियल फॉर्म की हेल्प से एग्जांपल नंबर फोर में यहाँ पे 1005 नंबर दिया है इसका एक्सपेंशन हमें बाइनोमियल फॉर्मूले की हेल्प से बा इसका एक्सपेंशन हमें बायनोमियल फॉर्मूले की हेल्प से करना है तो इस नंबर को हमें बायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे वन थाउजेंड और फाइव या है तो इसको हम वन थाउजेंड प्लस फाइव में राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे वन थाउजेंड प्लस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर तो ये हो गया नंबर बायनोमियल में कन्वर्ट मीन्स टू टर्म मिल गई उन दोनों में प्लस साइन है तो इसका एक्सपेंशन हम ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले ए स्क्वेयर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो यहाँ पे हमें इस वन थाउजेंड प्लस फाइव इसका एक्सपेंशन करना है तो इसके एक्सपेंशन इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करेंगे पहले हमें लेना है फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर लिया प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म है इंटू सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म है फाइव राइट कर लिए प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर सेकेंड टर्म है फाइव उसका स्क्वेयर लिया ओके अभी देखो यहां पे थ्री जीरो है थ्री जीरो का स्क्वायर हो जाएंगे सिक्स जीरो सिक्स जीरो हो जाएंगे ओके और ये वन आएगा प्लस यहाँ पे टू फाइव टेन तो टेन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे थाउजेंड है प्लस फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ओके अभी देखो ये टेन लैख एज इट इज आएंगे प्लस वन वन जार वन, वन और इन दोनों में कितने जीरो टोटल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस ट्वेंटी फाइव ओके 10 लाख में यहाँ पे 10000 ऐड कर लिए तो 10 लाख 10000 हो जाएंगे और उसमें 25 ऐड कर लिए तो 10 लाख 10000 25 ये नंबर फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम नंबर राइट कर लेते हैं 10 लाख ,00 10000 ,00 25 ओके okay? 25 यहाँ पे तो ये आ गया हमारी बाइनोमियल फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंशन ओके okay? 1005 स्क्वायर इज इक्वल टू